इट हैज़ बीन अ वेरी इंटरेस्टिंग जर्नी सो फार. फिर सुबह होगी, एकदम अलग किरदार था. मैडम सर बिल्कुल अलग किरदार है. उसके बीच के जितने भी किरदार थे सब बहुत अलग थे, और हर किरदार से मैंने कुछ ना कुछ सीखा है, कुछ उससे नया सीखा है, कुछ उस किरदार में अपना कुछ डाला है. एंड बहुत अप्स एंड डाउन्स भी थे, बहुत रिजेक्शंस भी थे, बहुत वाहवाही भी हुई, बहुत लोगों ने प्रोत्साहन भी दिया, बहुत लोगों ने खींचने की कोशिश भी की, सब कुछ हुआ. एंड बट ओवरऑल आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी, एक्सट्रीमली लकी, ग्रेटफुल फॉर एवरी थिंग दैट आई हैव अचीव्ड सो फार. बहुत बार ऐसा हुआ है कि when you go for an audition or you go for a look test or you go for a meeting and in spite of doing the right take, in spite of being in the character, in spite of giving a good audition, बहुत बार ऐसा होता है कि नहीं, लुक ठीक नहीं है, हमें कोई कोरी चिट्टी लड़की चाहिए, हमें कोई रिच लुकिंग लड़की चाहिए. एंड दैट्स अ लिटिल डिसहार्टनिंग एट टाइम्स, बट आई हैव ऑलवेज यूज्ड इस तरह की चीज़ों को, मैंने हमेशा दुखी होने की बजाय खुद को मोटिवेट करने के लिए इस्तेमाल किया है कि ठीक है, कोई बात नहीं, आपने मना किया है ना, बहुत लोग हैं जो हाँ कहेंगे. और वही हुआ. आई थिंक माई पेशेंस एंड हार्ड वर्क एंड परसिवियरेंस पेड ऑफ एंड रेस्ट इज़ हिस्ट्री. आई थिंक वेब सीरीज इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड बैलेंस्ड स्पेस विच इज़ स्टिल एट द लेवल ऑफ एक्सप्लोरेशन. बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट आ रहा है, बहुत अच्छी कहानियाँ आ रही हैं, एंड आई थिंक दिस इज़ द टाइम इन OTT फॉर एक्टर्स लाइक मी, फॉर परफॉर्मर्स लाइक मी, who are not just a pretty face but an intense actor at the same time. And I love that. I love that space. I love the whole mahal of OTT. It is passionate yet very easygoing. It is very disciplined. It is very organized, and it is very supportive towards a performer. And I just love about OTT. आई थिंक जितनी चैलेंजिंग हसीना थी उतनी ही चैलेंजिंग उर्मिला भी थी मेरे लिए. बट नाउ आई थिंक इट्स टाइम टू से गुड बाय टू उर्मिला. अब हसीना मलिक इज़ कमिंग बैक एंड होपफुली सून हसीना मलिक की लाइफ में भी रोमांस आएगा. मुझे ज़्यादा कुछ तो नहीं पता, पता होगा तो भी मैं बता नहीं सकती. बट फॉर एवरीथिंग एल्स यू नीड टू नो, कीप वॉचिंग मैडम सर. ये बहुत गलत है, मैं बिल्कुल भी हार्श इंसान नहीं हूँ, मैं मूडी ज़रूर हूँ. और क्योंकि मैं हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं रोज़ की ज़िंदगी में. आई मीन शूटिंग वन एपिसोड एवरी डे इज़ नॉट अ जोक. एंड 12 घंटे चाहे धूप हो, बारिश हो, समटाइम्स एसी काम कर रहा हो, नहीं कर रहा हो, आप कितने भी थके हो, आपकी तबीयत ख़राब हो, कुछ भी हो, द शो मस्ट गो ऑन एंड यू हैव टू वर्क. एंड आई एम अ ह्यूमन बींग, सो समटाइम्स यू बर्स्ट आउट. ऑफ कोर्स आई फील वेरी अपोलोजेटिक टवर्ड्स दैट, बिकॉज I'm a very peace loving and a very happy go lucky person, but every person has good and bad days, and I love myself in both. I'm a human being, and I think I'm okay with everything. Actually madam sir mein itni zyada memories hain ki I think every day is a memory, right from the first day of reading workshop. हमारा फर्स्ट एक्शन सीक्वेंस वो हमारे लिए बहुत मेमोरेबल था. आई थिंक रोज़ की ज़िंदगी में चलते हुए सीन में जो हमको सीन रोकना पड़ता है क्योंकि हम सबको इतनी हंसी आ रही होती है, लाइक हमारे डायरेक्टर गुस्सा हो जाते हैं कि हाँ भाई आप लोगों को हंस के हो जाए तो हम शूट करें. आई थिंक एवरी डे इज़ अ मेमोरेबल डे. और whenever the day comes, I hope not soon, whenever the day comes that I have to say goodbye to Madam Sir, it's going to be the most difficult thing that I'll ever have to do. I think right before I got Param Avatar Shri Krishna, there was a space of almost a year and a half जब none of the shows were working out, nothing I did was working out. मतलब ऐसा हो रहा था कि चीज़ें final stage पर पहुँच कर किसी वजह से अटक रही थी और नहीं हो रही थी. एंड ऐसा नहीं कि ऐसा फेज पहले नहीं आया, बट आई थिंक हर किसी के लाइफ में एक फेज़ आता है व्हेन यू गेट वीक इन योर ओन थॉट्स. तो उस वक्त मैं बहुत वीक हो गई थी, मुझे ऐसा लगा था कि आई थिंक नहीं हो गया है, आई थिंक इट्स टाइम टू मूव ऑन टू चेंज टू अनदर डायरेक्शन, टू चेंज करियर, टू चेंज माई पाथ. एंड
I was in a very low point. Hallaki, my parents, my family, my friends, everybody was extremely supportive. They're like, whatever, do whatever that makes you happy. Do whatever that truly gives you that bliss. And जब मैंने almost decide कर लिया था कि ठीक है कोई बात नहीं, मैंने कोशिश करके देख लिया, नहीं हुआ, let's move on, और भी चीज़ें हैं ज़िंदगी में करने के लिए, तब मुझे परम अवतार श्री कृष्ण मिला. और वो कहते हैं ना कि जब आपको बस लगता है कि चीज़ें ख़त्म होने वाली हैं और कुछ हो जाता है, तो वैसा सा ही हुआ. एंड श्री कृष्ण, उसके बाद बैक टू बैक शोज़, एंड नाउ मैडम सर. ऐसे तो बहुत सारी हैं, पर अभी मुझे जो याद आ रही है वो ये है कि श्री कृष्ण में एक सीन था जिसमें कंस जो है, जो मेरा सबसे पहला बच्चा है, उसे उठाकर क्लिफ से नीचे फेंक देते हैं. और वो जैसे ही वो मोमेंट होता है, ऑफकोर्स एक माँ की चीख और एक माँ की जो पुकार है वो मुझे करना था. एक्टर्स की लाइफ में ऐसा बहुत होता है कि जो आपने एक्सपीरियंस नहीं किया है वो आपके लिए करना मुश्किल हो जाता है. तो वो मेरे लिए भी थोड़ा सा मुश्किल था, क्योंकि मैं माँ नहीं हूँ और क्योंकि मैं वो उस दर्द के बारे में इमेजिन भी नहीं कर सकती. बट समहाउ इन सम वे आई वेंट डीप इन टू माई थाट्स एंड आई डिड दैट सीन. और जब उन्होंने वो एक्शन हुआ कि वो ऑफकोर्स वो डमी बच्चा था, और उस बच्चे को जब उन्होंने फेंकने का एक्शन किया, और मैं जिस तरह से चिल्लाई हूँ, दूसरे सेट के लोग आ गए थे, दूसरे सेट से लोग आ गए थे देखने के लिए क्या हुआ है. और मैंने सर से रिक्वेस्ट की थी, डायरेक्टर सर से, कि आप प्लीज़ इसको कट मत कीजिएगा, एक पूरा ये हो जाने दीजिए और उसको हम वन शॉट करेंगे, बिकॉज इसमें बहुत एनर्जी चाहिए एंड आई कांट डू इट अगेन एंड अगेन. एंड ही वाज वेरी सपोर्टिव, ही डिड दैट. तो मैं ज़ोर से चीखी, ज़ोर से चिल्लाई, वो जिस तरह से रोना बिलकना जो कुछ भी था वो सब किया. उस काम करने में मुझे चोट भी लगी बहुत ज़्यादा, पर वो जब ख़त्म हुआ, आई थिंक मेरी हेयर दीदी से लेके मेकअप दादा सबकी आंखों में आंसू थे. और 5 मिनट तक एवरीबडी वॉज क्लैपिंग. आई मीन आई हैड टू लिटरली टेल देम कि हाँ हाँ बस हो गया, ओके डन. एंड दे हैड टीयर्स इन देयर आईज एंड दे केम एंड हग्ड मी एज इफ कि मतलब क्या. एंड आई स्टिल रिमेंबर वन मेकअप दीदी, शी हग्ड मी एंड शी वॉज क्राइंग सो मच कि आई लाइक दीदी अरे रिलैक्स, एक्टिंग है, बट शी लाइक आपने बहुत अच्छा किया है. और वो प्यार और वो अप्रिसिएशन, आई कैन नेवर फॉरगेट दैट. ओ डेफिनेटली आई वॉन्ट टू डू फिल्म्स, आई वॉन्ट टू डू OTT, आई वॉन्ट टू डू, आई एक्चुअली मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज में अपने कहा भी है कि मुझे वंडर वुमन जैसा कोई रोल करना है. आई'ड लव टू प्ले अ सुपर हीरो, सुपर हीरोइन. एंड आई'ड लव टू एक्सप्लोर माई एक्टिंग केपेबिलिटीज. एंड आई थिंक स्काई इज द लिमिट, आई थिंक मैडम सर इज जस्ट द बिगिनिंग. सबके साथ मैं सबके साथ काम करना चाहूँगी, क्योंकि सबका अपना फ्लेवर है, चाहे वो करण जौहर हो, चाहे वो जोया मैम हो, चाहे वो मेघना गुलजार हो, चाहे वो शकुन बत्रा हो, चाहे वो कोई भी हो, सबका अपना फ्लेवर है. मैं सबसे कुछ ना कुछ सीख सकती हूँ और सबके साथ अपने एक्टिंग की कैपेबिलिटीज़ को और निखार सकती हूँ, एक्सप्लोर कर सकती हूँ. सो आई वुड लव टू वर्क विद एवरीबडी. रणवीर सिंह, विक्की कौशल, I'd love to work with, I think everybody. या क्योंकि मेरा ऐसा नहीं है कि ये पर्टिकुलर के साथ काम करना है और इसके साथ काम नहीं करना है. मेरा लक्ष्य और मेरा फोकस हमेशा ये होता है कि मैं खुद की क्या क्या कैपेबिलिटीज़ और निखार सकती हूँ और निकाल सकती हूँ. ऐसा कौन सा रोल है जो मेरे लिए चैलेंजिंग होगा, ऐसा कौन सा होगा जिससे मुझे अपने बारे में और अपने स्किल्स के बारे में और कुछ पता चलेगा. आई थिंक दैट्स माई फोकस, एवरीथिंग एल्स इज़ वेलकम. As of now, no plan. As of now, all my love, heart and soul is Madam Sir. But life is unpredictable and I take it as it comes. So, jab wo mukam aayega, jab wo waqt aayega, tab dekhenge kya karna hai. Oh, I'd love to do a dance reality show. I love dancing and I miss dancing. I'd love to do a dance reality show. I'd also love to do a comedy, a stand-up comedy. Abhi recently, maine Good Night mein ek chota sa segment kiya tha, jisko leke main bahut nervous thi, but I felt fantastic while doing it and after that, and I'd love to explore that too. Arey, yes, definitely. कैसे बोल सकते हैं? खतरों के खिलाड़ी is like my space. I'm an adventure person. You can see my body language has changed. मुझे बहुत पसंद है ये सब. Yeah, definitely. खतरों के खिलाड़ी and dance reality shows and stand-up comedy reality shows, everything. अभी तो मैं बहुत ज़्यादा कुछ follow नहीं कर पाती because we have so much of work, और जो भी मुझे थोड़ा बहुत time मिलता है, prefer sleeping and resting. But I used to watch खतरों के खिलाड़ी very religiously. No, मैं I will be more active in social media.
I will go live more often. I will be putting more posts. I will learn from Bhavika and Yukti how to make more reels and how to edit them and all that. So ab sab ki complaints main sun rahi hoon aur wo sari complaints jaiz hain and I'm working towards it. Thank you so much. 450 episodes kaise beet gaye pata bhi nahi chala. It was just because of your love and support. So keep that and I will keep working hard towards inspiring you more and keeping you more entertained. Thank you so much.